नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल माई सरकारी न्यूज पे। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो दोस्तों टेस्ट मैच चल रहा था, सेकेंड टेस्ट था, उसमें यहाँ पे इंडिया ने जीत हासिल कर ली है और मात्र यहाँ पे 117 रनों पर ऑल आउट कर दिया है वेस्ट इंडीज की टीम को। दोस्तों पूरा हाल बताएंगे, पूरी पारी का न्यूज बताएंगे आपको कि पूरी पारी में क्या क्या हुआ दोनों पार्टियों में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में लास्ट तक। मगर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हो फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना, जानकारी बनना सबसे पहले, तो फटाफट यार वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रही होगी, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए। अगर गाइस आप इंडिया की टीम के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला जा रहा था, जिसमें वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 140.1 ओवर में 416 रन बनाए और उसके बाद ऑल आउट हो गई भारत की टीम, जिसमें मयंक अग्रवाल ने 119 बॉल में 53 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 7 चौके लगाए थे मयंक अग्रवाल ने। उसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली ने यहाँ पे 163 बॉल खेलने के बाद 76 रन पर आउट हो गए, जो कि दोस्तों शतक से बिल्कुल चूक गए, जिसमें 10 चौके शामिल थे। उसके बाद यहाँ पे बैठे के नए हनुमा बिहारी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक जड़ दिया। 111 रन लगाई हनुमा बिहारी ने, जो कि दोस्तों 225 बॉल में लगाए थे, जिसमें 16 चौके शामिल हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका साथ देने आए थे ईशान शर्मा ने, यहाँ पे 80 बॉल में 57 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 7 चौके शामिल हैं। और ऐसे करके यहाँ पे टीम इंडिया के 416 रनों पर पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब गाइस वेस्ट इंडीज को जीत के लिए चाहिए थे 417 रन, तो यार वेस्ट इंडीज यहाँ पे जीत के इरादे से उतरी थी, मगर दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। उनको क्या पता था कि क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे वेस्ट इंडीज की ओर से केमर रोज ने यहाँ पे 77 रन देकर 1 विकेट हासिल किए, जेनसन होल्डर ने यहाँ पे 77 रन देकर 5 विकेट हासिल किए हैं, रहकेम कॉर्नवाल ने यहाँ पे 105 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों 8 रन और दिए एक्स्ट्रा, इसके बाद 1 विकेट हासिल किया था। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम 47.1 ओवर में 117 रन पर ऑल आउट होके पवेलियन लौट गई, जिसमें सिमरोन के यहाँ पे 57 बॉल में 34 रन शामिल हैं, जिसमें 7 चौके लगाए उसने। और जेसन होल्डर की बात करें दूसरी तरफ, तो वहाँ पे उनने 38 बॉल में 18 रन लगाए हैं केवल। वो ज़्यादा कुछ करना चाहते थे अपनी टीम के लिए, मगर दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। रहकेम कॉर्नवाल ने 31 बॉल में 14 रन बनाए हैं बस केवल, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। केमर रोज ने यहाँ पे 31 बॉल में 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। भारत की ओर से ईशान शर्मा ने यहाँ पे 10.5 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट झटका दिया था वेस्ट इंडीज टीम का। उसके बाद यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 12.1 ओवर में 27 रन देकर 6 विकेट हासिल कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ही बना दिया, जिसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको खुद पता है यहाँ पे कि यहाँ पे बुमराह ने डायरेक्ट दोस्तों लगातार 3 विकेट तो मतलब ऐसे लिए थे लगातार, और हैट्रिक अपनी खाते में जोड़ ली थी। मोहम्मद शमी ने यहाँ पे 13 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। गाइस ये थी इस वीडियो में जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद शमी ने यहाँ पे 2 विकेट लेने के बाद अपने टेस्ट क्रिकेट में पूरे 150 विकेट कर लिए हैं। और गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।